press the bell icon on the YouTube app and never. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया इज भारत पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेटेस्ट और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार आरजू काजमी जी को, जिनके स्पेशल गेस्ट होंगे साजिद ताड़ा साहब, जो कि एक जबरदस्त जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट है और खासकर भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पर बहुत ही जबरदस्त नॉलेज और गहरी पकड़ रखते हैं। और ये दोनों बात करेंगे हमारे प्यारे देश भारत के ऊपर, और खासकर भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने जो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को मुंह तोड़ जवाब दिया है उस पर। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें, और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। वो है गवर्नमेंट में, उनसे भी तो मुल्क नहीं चल रहा, वो भी तो अजीब अजीब बातें जो है, वो यूनाइटेड नेशन में जाके जो शहबाज शरीफ साहब ने कहा बार बार कश्मीर का जिक्र, और नहीं कश्मीर का जिक्र, उस पर भी आऊंगा आगे। लेकिन आरजू चल नहीं रहा तो फिर इसका यही तो मैं कह रहा हूँ ना, या चला लो तो या छोड़ दो इसको। मैं तो यही कहता हूँ कि ढंग से चलाओ नहीं तो छोड़ दो इसको। उस पे आऊंगा, मैंने डॉक्टर जयशंकर साहब की स्पीच जो रिबट उन्होंने की है उस पर भी बात करूंगा। लेकिन उसमें आरजू दर हकीकत इस वक्त क्राइसिस ये चल रहे हैं, और ये क्राइसिस आज के समझते हैं आप, ये आज का तो कुछ भी नहीं, 77 ईयर से यही हो रहा है। 1947 से देख लें आप, खोल लें आप, हिस्ट्री पढ़े, डिटेल में जरा जाए देखें आपके जो पहले शुरू वाले पहले दिन से पाकिस्तान बनाने वाले कौन थे। मैं इस चीज पे फर्मली बिलीव करता हूं, जिनकी जमीनें ज्यादा थी, करप्ट लोग थे, वो चाहते थे कि हम भारत से अलग होके अपने अपनी दौलत को अपनी जमीनों को बचाएं। या अगर मुझे झूठ साबित करना है तो बता दें, उन्हीं के बच्चे बैठे हैं आज भी, वजीर है, कैबिनेट है उन्हीं के बच्चे। और वो कौन थे? ब्रिटिश एजेंट थे वो। उनको जमीनें किसने दी थी? ब्रिटिशों ने दी थी उनको जमीनें। किन्होंने दी थी? मुगलों ने दी थी उनको जमीन। बताए ना, या तो मुझे गलत साबित करें, कहें या तुम झूठ बोल रहे हो, तुम गलत बोल रहे हो। मैं लर्न करूंगा, मैं अपने आप को करेक्ट कर लूंगा। भाई मेरे अंदर इतनी मॉरल है जुनत कि मैं अपनी गलती को तस्लीम करके अपने आप को ठीक कर लूंगा। मैं ऐसी बात नहीं कहूंगा कि मैं ही सच बोल रहा हूं, लेकिन मुझे रेफरेंस के साथ मेरे साथ बात करें कि आप 1947 के बाद आपने इस्लाम के लिए कुछ किया हो, मुझे प्रूव कर दें आप। आपने पाकिस्तान की भलाई के लिए कुछ किया हो, मुझे प्रूव कर दें आप। आज भी जो आप कर रहे हैं इसमें आपका कोई फ्यूचर नजर आ रहा है, मुझे प्रूव करें आप। इसमें से पाकिस्तान बच सकेगा, मुझे प्रूव करें आप। मैं अपने आप को चेंज कर लूंगा, लर्न करूंगा। मैं लर्निंग प्रोसेस है, मेरा लर्निंग प्रोसेस उस दिन खत्म होगा जिस दिन मर जाऊंगा मैं। मैं हर दिन कोई नई चीज सीखता हूँ, नई चीज पढ़ता हूँ, अपने आइडियाज को चेंज, अपने ख्याल को चेंज कर लेता हूँ। अगर कोई करेक्शन मेरे सामने रखे रेफरेंस के साथ, कोई दलील दे मेरे साथ, मुझे रेफरेंस दे किसी किताब का, किसी रिसर्च का, मैं चेंज कर लेता हूँ। मेरा भी जहन, कई लोग ऐसे मुझे अभी भी कई लोगों के लिए इतला नर्स है, कई कहते हैं यार इसने 5 साल पहले यार साजिद तारण ने फलान चीज कही थी। ओ यार मैं पढ़ता हूँ मुसलसल, मेरी ओपिनियन, मेरे ख्याल चेंज होते हैं जू जू मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मेरी जू जू रिसर्च मैं मजीद करता हूँ, मेरी सोचें तब्दील होती हैं। और सोच एक ऐसी चीज होती है बिल्कुल तब्दील। मैं आज से 20-25 साल पहले सबको बोलते हैं सर, वो हर एक को बोलते हैं, उनकी बात का इतना नोटिस नहीं लेना चाहिए, वो हर बात पे एतराज करते हैं। लेकिन सर राजनाथ सिंह साहब ने जो ऑफर दी पाकिस्तान को, ज्यादा दे सकते थे, उस पर भी मुबारकबाद आने वाली होगी मेरे। नहीं मुबारकबाद नहीं, देखिए उन्होंने एक फंडा, उन्होंने जो राजनाथ साहब ने चीज की है वो एक फंडामेंटल था, वो फंडामेंटल, मैं वो उसके बारे में बात कर रहा था। अगर आज आप हम इन कॉन्फ्लिक्ट से चीजों से बचे हुए होते तो हमें आईएमएफ के पैकेज की जरूरत ही नहीं। हमने बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना करके लूट जो मार की अफगानिस्तान में, पैसा बनाया और वही अब हमारे घर में। हिलरी क्लिंटन आपके पाकिस्तान जाके कह के आ गई थी कि जो सांप पालते हैं अपने बैकयार्ड में वो सांप काटते भी हैं। तो फिर जब वहां पैसा बनाया, फिर कश्मीर के हवाले से हमने हमेशा उसको जिंदा रखा क्योंकि उसमें से पैसे बनते थे। डिफेंस का बजट पाकिस्तान के पूरे बजट से ज्यादा है। राजनाथ साहब तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ना, डिफेंस का बजट कंट्रोल होगा तो हमें आईएमएफ के पैसे की जरूरत ही नहीं है। लेकिन आप बताएं ये किस तरह हो सकता है? पाकिस्तान तो गैरिजन स्टेट है, गैरिजन स्टेट जो होगी वो अपनी डिफेंस पे नहीं पैसे लगाएगी तो तालीम पे लगाएगी, वो किस चीज पे लगाएगी भाई? अच्छा लोग पढ़ जाएंगे, लोग तालीम याफ्ता हो जाएंगे, जिहाद से हट के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जाएंगे तो लोगों का कारोबार किस तरह चलेगा? माफियाज किस तरह चलेंगे? लोगों के बच्चे लंदन में किस तरह पलेंगे बढ़ेंगे भाई? या 300-300 प्रॉपर्टियां लंदन में कैसे बनेंगी? ये भी तो क्वेश्चन है मेरा राजनाथ साहब। राजनाथ साहब अगर आप जो बातें कर रहे हैं
इस तरह दुबई और लंदन के प्लाजे किस तरह बनेंगे ये भी तो सीक्रेट बता देना। हमारे हमें हम बिल्कुल हमें आईएमएफ के पैकेज की जरूरत नहीं थी अगर लंदन और दुबई हमारा डेस्टिनेशन ना हो, ये बिल्कुल आपकी बात। दूसरी बात, आज मैं डॉक्टर जयशंकर साहब की करूंगा कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, तकरीर किसी और ने लिखी थी, उन्हें क्या पता है तकरीर में क्या था। उन्होंने कहा है कि इस वक्त गाजा और कश्मीर को उन्होंने एक तरह, उन्होंने कहा कश्मीर बिल्कुल गाजा बन चुका है, गाजा है, जिसको डॉक्टर राजनाथ साहब ने रिपट किया। उस पर उन्हें ये नहीं पता वहां पे इलेक्शन हो रहे। वहां मैं हमेशा, मैंने कल परसों किसी जगह बैठा था अमेरिका के अंदर, मेरा एक वाहिद क्वेश्चन था, मुझे आज भी कोई जवाब दे दे कि वहां दूध की नहरें चलने वाली हैं, चल चुकी हैं, माल अब कश्मीर बना रहा है अमार ग्रुप दुबई से आकर, उसको काउंटर किस तरह करोगे भाई? अपने कश्मीरियों को किस तरह चुप कराओगे या वहां पे सारा कुछ होगा, क्या करोगे? ये क्वेश्चन है और मैं इसमें बिल्कुल, इसमें कोई गलत बात नहीं है, सोचना चाहिए क्या करोगे वहां पे। डेवलपमेंट का बजट देखा है, 90,000 करोड़ जो जिस तरीके से वहां से बजट लग रहा है, वहां कश्मीर, आप अपने कश्मीरियों को किस तरह चुप कराओगे? ये मैंने अगले दिन यहाँ पे एक ग्रुप जो है कश्मीर से, ग्रुप आया यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, मैंने उनसे ये क्वेश्चन किया पाकिस्तान वाली साइड से, कश्मीर से, क्या आप उस वाली कश्मीर, उस दूसरी साइड पे जो डेवलपमेंट के ऊपर पैसा लग रहा है, जो बजट बढ़ रहा है, आप क्या करोगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, चुभता होगा कई पाकिस्तानियों को, ये चुभेगा, ये मेरा सवाल, लेकिन ये हकीकत है, क्या करोगे उसका? फिर दूसरी बात यह है कि गाजा में इलेक्शन हो रहा है, वहां पे तो इलेक्शन हो रहा है, 90 सीटों पे इलेक्शन हो रहा है कश्मीर में, वो कश्मीर सारे सेलिब्रिटीज उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्वेश्चन है इसमें, ये मैंने, मुझे रिसेंट पता चला था इस बात पर कि कुछ लोगों को इतराज 370 पे है उसका, लेकिन लेट देम डिसाइड। 8 अक्टूबर को उनका शुरू हो जाना था, वो उन्होंने वो सारा काउंटिंग शुरू है, चीजें होंगी कश्मीर के, लेकिन कश्मीर को गाजा के साथ कंपैरिजन करना, ये गाजा की भी तोहीन है, कश्मीर की भी तोहीन है, इसमें कोई शक नहीं है, ये एक उन्होंने एग्जैजुरेट किया इस चीज को, लेकिन उनका कसूर नहीं है उनका। मैं समझो डॉक्टर जयशंकर साहब को भी चाहिए था कि उसका जवाब ना ही देते, ना उन्होंने लिखी है ना पढ़ी है, उनके हाथ में पेपर किसी सीएसएस अफसर ने या किसी क्लर्क बाबू ने पकड़ाया है कि मियां साहब ये पढ़ दें। एक नहीं बल्कि मुझे, I'm sorry, मुक्के चलाए उन्होंने, मगर मुक्के बहुत चलाए उन्होंने, नहीं मुक्के तो हर जगह चलाते हैं, वो तो माइक भी फेंक देते हैं ना भुट्टो भाई। आपके सबसे बड़ी बात, यहाँ पे लोगों को भुट्टो बनने का बहुत शौक है, सबसे पहले मुक्के लहराते थे वो और माइक नीचे गिरा देते थे ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, अब उसी की नकल अली अमीन गंडापुर भी करते हैं, तो मेरे ये छोटे मियां साहब भी यही करते हैं। हालांकि लोगों को पता है, मुसलसल लोग कैलकुलेट, मैं कई दफा देखा है, लोग कहते हैं 2 हफ्ते गवर्नमेंट चलेगी, 45 दिन चलेगी, 30 दिन चलेगी, ये चलेगी वो चलेगी, लेकिन जिस तरीके से हमले शुरू हो चुके हैं पंजाब के ऊपर, हालात खराब, आपके इस वक्त बलोचिस्तान के अंदर 10 जिलों के अंदर ऑलमोस्ट आप हालते जंग में, आप केपीके के अंदर टीटीपी वाले अपने मोटरसाइकिलों गाड़ियों के ऊपर अपने झंडे लहरा के मुसलसल गश्त कर रहे हैं, पुलिस आपकी कभी वहां पे स्ट्राइक पे जाती है, कभी कुछ होता है, लेकिन इस तरह चलेगा नहीं जिस तरह आप चला रहे हैं। ये जो चलाने वाले हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट होगी, या चला लो या छोड़ दो, इस तरह नहीं चलता, इस तरह पान का खोखा भी नहीं चलता जिस तरह पाकिस्तान चला रहे, जज लड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ सुबह शाम थप्पड़ों से, एक ही अदालत में बैठते हैं सारा दिन, एक दूसरे का खत लिख के कम्युनिकेट कर रहे हैं, लेटर, साथ वाली कुर्सी पे बैठा है जज, वो साथ वाले को लेटर लिख रहा है और 90 पेजेस का लेटर लिख, और सारे सियासी अगले दिन, बल्कि आपके तो एक और बहुत बड़ी बात हुई, एक जज का बेटा पीटीआई के जलसे में जा रहा था, उसको पुलिस ने रोका है, एसपी लेवल के डीएसपी लोगों को सबको सस्पेंड कर दिया गया, क्यों भाई? जज का लड़का जो है वो आसमान से उतरा है, उसको उसके लिए उसको क्यों एसएसपी, लेकिन पूछने वाला ही कोई नहीं, कौन पूछेगा भाई, किसने पूछा, किसमें हिम्मत है सर, किसमें हिम्मत है, सब आपस में मिलकर ही सारा काम कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल देखते हैं सर ये किस तरह से फिर लेके चलेंगे, अजीब सी सिचुएशन। अब आगे जो एक आखिरी पॉइंट जो मैं बताना चाहूंगा आरजू, आखिरी पॉइंट जो मैं बताना चाहूंगा, दो इंटरेस्टिंग चीजें थी जो मेरी नजर से गुजरी हैं, वो आखिरी बात ये बताना चाहूंगा कि चाइना जो है इस वक्त वो भारत के मिंतन तौरों पर उतर आया रिलेशनशिप के लिए, कभी वो कहता है डायरेक्ट फ्लाइटें शुरू की जाए, कभी कुछ किया जाए, उसका कारण उसकी वजह क्या है? ज्यादातर लोगों को इसकी वजह का पता नहीं, ज्यादातर लोग, मैं पिछले दिनों रिसर्च कर रहा था, वो अपनी अटामिक एक सबमरीन बना रहे थे, वो जिस पोर्ट में खड़ी करके बना रहे थे वहीं डूब गई,
अब उन्हें पता है कि हमारे हमें शर्मिंदगी भी होगी, हमारे अला हमें रीजन के अंदर क्या होगा, और वी कैन नॉट कम्पीट विद इंडिया और इंडियन नेवी के साथ। उन्होंने तो मेहनत तरले शुरू कर दी, आगे पीछे कर रहे हैं चाइना वाले, और उसमें काफी हद तक चीजें ठंडी भी होना शुरू हो चुकी हैं। इसके बारे में डॉक्टर जयशंकर साहब ने भी बोला है और मैंने चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री उनके भी बयान सुने हैं। इसमें मेरा इंटरेस्ट क्या है, मैं वार्निंग इसमें से क्या एक लेता हूं, अगर चाइना और भारत के रिलेशनशिप ठीक हो जाएंगे तो हम कहां जाएंगे? हमारे जो भी लंदन के प्लाजे आधे छतें पड़नी उनके ऊपर, अभी दीवारें खड़ी हुई हैं, छतें किस तरह आएंगी ऊपर? 26 बिलियन डॉलर के तो हमने पिज्जे खरीद लिए थे, पापा जान ले लिया, अब जो लंदन में प्लाजे खड़े हैं उनके छत कैसे डालेंगे हम? चाइना भी, अब चाइना और भारत इकट्ठे हो गए तो मसला खत्म हो जाएगा, पीछे बचेगा क्या IMF? उनके क्या बेचेंगे, पकौड़े बेचेंगे उनके आगे? तो लेकिन अब देखें, ये एक लम्हा फिक्रिया है। बांग्लादेश भी तो हमसे कह रहा है ना कि हम उनके साथ कुछ उनको पापों के बम बनाना बता दें। दो चीजें मैं बताना चाहूंगा, मुर्शिद पाक मियां साहब छोटे आए थे, उन्होंने सिर्फ दो खाने खाए हैं उन्होंने यहाँ पे। एक उन्होंने खाना खाया था ब्रुनाई का, 40 साल उनको यूनाइटेड नेशंस में हो गए, उन्होंने अच्छा खाना बनाया था, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने एंजॉय किया, मुर्गी वगैरह खाई उन्होंने वहां जाके। डॉक्टर यूनुस आए हैं यहाँ पे और बाबा जी ने उनको गले लगा लिया बाइडन ने, उन्हें हालांकि कोई पता नहीं ये कौन बंदा है, किसी ने कहा होगा ये बंगाली आया, इसको बच्ची बच्ची ले लेगा। वो 50 साल सेलिब्रेट कर रहे थे तो उनका डिनर भी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने खाया, तीसरा बंदा किसी ने बुलाया ही नहीं यहाँ पे। पूरा जोर लगाया हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कि बाबा बाइडन फोन पे ही बात कर ले, मिलना तो बहुत दूर की बात है, उन्होंने घास नहीं डाली। डॉक्टर यूनुस को उन्होंने गले लगा लिया, क्यों कि इस वक्त वो जो हसीना वाजिद के साथ रिलेशनशिप आपको पता था, कई दफा भारत ने ठीक कराने की कोशिश की, नहीं हुए, लेकिन डॉक्टर यूनुस को लगाया, उन्होंने कहा ये तो मेरा पुराना यार, ये तो बंगाली। एक पिक्चर शेयर की है शहबाज शरीफ साहब ने, जिसमें वो जो बाइडन उनकी मिसेस के साथ खड़े हैं। नहीं पता नहीं वो कहां गलती से को पुरानी पिक्चर ही कट पेस्ट करके लगा दी होगी, मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से तो ये फोन पे भी बात बाबा जी उनसे नहीं कर रहे थे। बाबा जी को आपको पता है पाकिस्तान का पता ही नहीं है कि पाकिस्तान दुबई के साथ है, मेक्सिको के साथ है, नक्शे में है कहां पाकिस्तान, बाबा जी को कोई पता नहीं। बाबा जी की हालत आपने देखी, मोदी साहब को करता हूज नेक्स्ट, कहता है चार बंदे पीछे बैठे हुए हैं जापान और ऑस्ट्रेलिया का, और मोदी साहब कहते हूज नेक्स्ट, बाबा जी को क्या पता ये कौन है किधर, हो सकता है तस्वीर खिंचा भी नहीं हो, क्या पता है, क्या फर्क पड़ता है। बाबा जी इस वक्त होश में नहीं है, बाबा जी पहुंच चुके हैं, वो ऊपर खुदा से बातें कर रहे हैं। अब हमारे वो डोनाल्ड ट्रंप साहब अक्सर कहते हैं कि अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट है जिसको पता ही नहीं कि वो जिंदा है या मर चुका है, उसको कोई पता नहीं, उसके साथ तस्वीर होना ना होना, फोन पे बात कर लेना ना करना does not matter anymore, क्योंकि वो तो पिछले चार साल से वो तो बेचारा ओबामा साहब चला रहे हैं गवर्नमेंट को, अमरीका को चला, दुनिया की सितम ज़रीफ़ी यही है कि 12 साल से एक बंदा अमेरिका को चला रहा है और उसकी तैयारी है 20 साल चलाने की। कैमला हैरिस जीतेगी चलाएगा ओबामा 20 साल, और 20 साल एक बंदा वो भी कीनियन, वो जब अमरीका को चला लेगा दिस प्लेस वॉन्ट बी लिवेबल, अमेरिका रहने के काबिल नहीं रहे। आज भी मैं चैलेंज करता हूं, कई लोगों को तकलीफ होती है मैं बात करता हूं, अगर आप अमेरिका में रहते हैं पुलिस बुला के देख, पुलिस बुला के देखें, अगर पुलिस आ जाए तो फिर ठीक है, फिर लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, अगर पुलिस ना आए तो फिर क्या करोगे? और ये अभी शुरुआत है, और इस मूवमेंट की बानी कौन है? कैमला हैरिस है, कैमला हैरिस डिफेंडिंग पुलिस की सबसे बड़ी चैंपियन वो है। मैं देखूंगा जिस कंट्री के अंदर लॉ एंड ऑर्डर ना हो वो तरक्की किस तरह कर, क्योंकि खुद मैं एक लीगल कम्युनिटी से मेरा रिलेशनशिप है, लॉ एंड ऑर्डर आर द फंडामेंटल्स ऑफ एवरीथिंग, वहां से पैसा भाग जाता है जहां लॉ एंड ऑर्डर नहीं होता। लॉ एंड ऑर्डर अमेरिका के बिल्कुल, अमेरिका इसी डायरेक्शन पे जा रहा है। सुबह शाम में जिस शहर में एयरपोर्ट से उतरता हूं वहां से गांजे की स्मेल, मरवाना वहां हमारे गांजा कहते हैं, गांजे की स्मेल आती है। कौम जो है काम करने से इनकारी है, सोशलिज्म का दौरा है, चले ठीक है, शौक बच्चे, अमीर लोगों के जब बच्चे, मैंने देखा है अमीर लोगों के बच्चे जब बोर हो जाते हैं तो कभी कभी जाके गरीबों की बस्तियों में कोशिश करते हैं, गरीबों के बच्चों को उठा के तस्वीरें खिंचाते हैं आजकल अमेरिका में। वायरल सर, इन खबरों पे तो हमारी नजर रहेगी जब तक इलेक्शंस नहीं हो जाते, क्योंकि जाहिर है आपसे अच्छा हमें कोई और नहीं बता पाएगा। तो बहुत शुक्रिया कि आपने आज ज्वाइन किया, बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, और हमेशा की तरह
आरजू काजमी जी और साजिद ताड़ा साहब का पूरा एनालिसिस और उनके पॉजिटिव व्यूज आपको काफी पसंद आए होंगे और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहां पे इन दोनों ने बात की हमारे प्यारे देश भारत के बारे में, भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के बारे में और खासकर जो भारत के डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, जो उन्होंने पाकिस्तान पर स्टेटमेंट दिया उसके बारे में। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दे और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपसे लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।